आदित्यनाथ का था, वो वहां पर मौजूद थे। जैसे ही पीएम आए, उपस्थिति अपनी दर्ज किए काल भैरव मंदिर में, वैसे ही भव्य स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो दोनों साथ में मौजूद थे। पुष्पों से जहां उनका स्वागत किया गया आम कार्यकर्ता, आम जनता के द्वारा, तो वहीं स्टॉल भगवा रंग का पहनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको सादर सत्कार किया और नमस्ते के साथ उनको उनको सद्भावना दी और आगे बढ़ते हुए वो नजर आए। और फिर उसके बाद काल भैरव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जोड़ी कमाल की है, दो जोड़ियां, एक योगी मोदी की और दूसरी अमित शाह और पीएम मोदी की, वो भी नजर आएगी जब नामांकन के दरमियान पहुंचेंगे। लेकिन अभी यहां पर देखिए मंदिर के अंदर ये एक झलक, एक वानगी प्रस्तुत करती है। जब 22 जून को रामलला विराजमान हुए थे तो भी ये जोड़ी मौजूद थी, जहां पर रामलला को विराजमान किया, वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और आज नामांकन में ये जोड़ी फिर वहां मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में ये जोड़ी कमाल 2014 से करती आई है, आंकड़े चौंकाने वाले निकल कर आए। हालांकि जो राजनीति में जो एग्जिस्ट करता है कि अगर आंकड़े बढ़ते हैं चुनाव के तो जनता ये चाहती है कि दूसरी सरकार आए, लेकिन 2019 में इससे बिल्कुल अलग हुआ। आंकड़े बढ़े, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लेकिन बीजेपी रिपीट की, यानी कि लोगों ने बीजेपी को यह आश्वस्त किया, बीजेपी ने आश्वस्त किया लोगों को, एनडीए ने आश्वस्त किया लोगों को कि हम आपके लिए हैं। भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे तमाम वो मुद्दे हो, उसके खिलाफ बीजेपी ने कहीं ना कहीं काम किया है। और ये काल भैरव मंदिर की तस्वीरें, कार्यकर्ताओं में जोश, वो बिल्कुल हाई है। आम जनता वहां मौजूद है अपना काम काज छोड़ के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए नामांकन स्थल ये पहुंचे हैं। और 10-15 मिनट का वो जो काल भैरव में आशीर्वाद देना था, अर्जी लगा दी, वहां से उनको आशीर्वाद मिल गया। और अब अर्जी लगाने के बाद सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी के कलेक्ट्रेट ऑफिस की दिखा रहे हैं। कर्म भूमि काशी, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किंग बनाने के लिए तैयार है। काशी में तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की ये अभी इसी गेट से प्रधानमंत्री ने एंट्री की है और वो इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा चुके हैं। और चूंकि उन्होंने जब वो वहां पे उतरे तो जो भाजपा के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, भाजपा के वर्कर मौजूद थे, उनका उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। अभिवादन स्वीकार करने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश किए हैं। जो एसपीजी के जवान थे, एसपीजी की गाड़ियां वो अभी भी यहां पे मौजूद है। और आप देखिए कि जो सुरक्षा घेरा है वो बेहद सख्त हो चुका है, क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही यहां पे पहुंच चुके थे। वो लोग अंदर वहां पे मौजूद है और अब इस वक्त प्रधानमंत्री ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। राजस्थान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नूर तो वैसे भी लोगों को चौंकाता रहा है, लेकिन आज जो नूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से, उनके ललाट से नजर आ रहा है वो अद्भुत है। लोगों की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ हर जगह है, जहां जहां से प्रधानमंत्री के कदम गुजर रहे हैं हर जगह पर। और हर जगह आप देखिए लोगों का प्यार स्वीकार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट ऑफिस की इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए सीधे ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान, काल भैरव मंदिर की यह झलक आपको फिर से दिखा रहे हैं। नामांकन स्थल से पहले की यह तस्वीर, अब यह नामांकन स्थल के वो जो पाथ है जहां से कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना है, पहुंचना है, वहां से गुजर रहा है प्रधानमंत्री। लेकिन फिलहाल अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको वो दिखाई कि जब कलेक्ट्रेट ऑफिस की उन सीढ़ियों को भी चढ़ते हुए प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए। थोड़ी देर में ही यहां पे आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री आपको नजर आएंगे। शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा पैगाम यहां पर दर्ज किया गया है एनडीए की तरफ से, क्योंकि आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल, चाहे महाराष्ट्र, चाहे तेलंगाना, दक्षिण से लेकर पूर्वी तक हर जगह पर वो गए जहां पर उनको लगा कि उनको रोड शो करना चाहिए, बीजेपी प्रत्याशी या एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करनी चाहिए। तो जब अपना नामांकन है तो आप सोच सकते हैं कि एनडीए का यह शक्ति प्रदर्शन तो लाजमी है। और इसीलिए सुबह 4 बजे से लेकर
स्नान से लेकर अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, मां गंगा की आरती, काल भैरव में अर्जी और उनके आशीर्वाद के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपने नामांकन, तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। 1 जून यानी कि सातवें चरण में वाराणस में है वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। इस बार वोटिंग परसेंटेज 50% लाना है। इस बार जो आंकड़े हैं बीजेपी के वो 350 से ऊपर है, 375 का आंकड़ा है। एनडीए का आंकड़ा इस बार 400 को टच करने का है। और वही आपको बता दें कि इसके लिए बीजेपी ने अपने चुनावी बिसात में अपने जो प्याले सेट किए वो दमदार सेट किए, जो मुद्दे उठाए वो बेहद ही गंभीर और जीतने वाले मुद्दे उठाए। और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने नामांकन को दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच चुके हैं। वहां पर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपने नामांकन को दाखिल करने के लिए अपने जो आइडेंटिटी कार्ड्स देने होते हैं वो दिखाए जाते हैं, फिर नामांकन दाखिल करने के लिए कुछ रकम होती है उसको दिया जाता है, उसके बाद नामांकन दाखिल करने फिर हस्ताक्षर होते हैं और नामांकन दर्ज किया जाता है। तो तीसरी बार आगे बढ़ते हुए नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तो नामांकन करने के लिए सीधे पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार की जो चुनावी फाइट है, या ये कहें कि इस बार का जो चुनाव है लोकसभा का, वो बेहद ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडी गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी की वो मजबूत ताकत है जो 2 बार टर्म पीरियड को सर्व करने के बाद आगे बढ़ रही है। तो एक बार फिर से गठबंधन जो बनता है टूटता है, फिर बनता है, फिर बिखरता है, फिर बनता है। और वो अब जब आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को एक लार्ज स्केल पर दिखाई पड़ रहा है, एक बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ मैसेज तो इंडी गठबंधन को या विपक्ष को गया होगा। फिलहाल उनके अपने मुद्दे हैं, लोकतंत्र है देश, जिसके जिसके अपने मुद्दे हैं वो अपने मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ता है। लेकिन इस बार बीजेपी का आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। 4 जून को हालांकि पता चलेगा कि क्या नतीजे, क्या जनता ने सोचा है, लेकिन 1 जून को, मात्र 3 दिन पहले, इसी बनारस में जहां पर तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं, वहीं पर होना है चुनाव। और काशी में ही इस बार फिर अपनी किस्मत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं। तो सीधे तस्वीरें हम आपको काशी के कलेक्ट्रेट ऑफिस की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। थोड़ी देर में अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले आप देख लीजिए कि कैसे नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया। आज गंगा का शुभ मुहूर्त है और इसके पहले 11:40 शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के वो तमाम नेता अपना नामांकन दाखिल करते हैं। और इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो आध्यात्मिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,